कोड़ीबोला थाना अंतर्गत विगत 19-20 की रात्रि को कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा रात्रि में ग्राम बुथुआ महुअरी के पास काव नदी पर एक पुल का जो निर्माण हो रहा है उसमें जिस कंपनी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है उसका एक बेस कैंप है वहाँ पर उसके अंदर घुस करके अपराध कर्मियों के द्वारा अग्नियास्त्र का भय दिखा करके 3 ट्रैक्टर डाला सहित लूट लिया गया था तथा साथ में कुछ अन्य सामान गैस सिलेंडर इत्यादि और लोहा इत्यादि उसमें लूट लिया गया था। इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया गया था तथा जैसे ही पुलिस को सूचना मिली थी तुरंत वहां पर पुलिस टीम पहुंची और इस मामले के उद्भेदन के लिए SIT का गठन किया गया जिसमें SDPO डेहरी तथा अन्य अकोड़ीगोला थाना के पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी एवं अन्य DIU एवं अन्य पुलिस कर्मी शामिल थे। इस मामले में पुलिस को जानकारी मिली थी और तो जैसे जैसे आसूचना प्राप्त हो रही थी विभिन्न स्थानों पर जिले के अंदर और जिले के बाहर भी छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि प्रमोद पांडे जो कि लोधी बराव सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और राकेश कुमार जो कि दरघट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, मोतीलाल सिंह जो कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भैंसिया गांव के रहने वाले हैं, सत्येंद्र कुमार सिंह जो कि सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भवानी बिगा के रहने वाले हैं, मुकेश कुमार जो कि भैंसिया कला सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, चंदन कुमार वो भी उसी गांव के हैं और हरेंद्र कुमार वो भी उसी गांव के हैं। इनके द्वारा इस मामले में इनकी संलिप्तता पाया गया और इनकी गिरफ्तारी की गई है और इनके निशानदेही पर कैमूर पुलिस के सहयोग से कैमूर जिला में एक जो लूटा गया ट्रैक्टर है उसको बरामद किया गया है और साथ में जो इनके पास से कुल 10 मोबाइल बरामद किए गए हैं और गिरफ्तार अपराध कर्मी सत्येंद्र कुमार सिंह के पास से 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस और 4 खोखा भी बरामद किया गया है जिस संबंध में एक अतिरिक्त अलग से कांड दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है जो कि विभिन्न थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और साथ ही लूटा गया ट्रैक्टर और हथियार भी बरामद किया गया है। इस मामले में अन्य जो भी अपराधकर्मी और शामिल हैं उनकी भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और अन्य जो लूटा हुआ सामान है उसकी भी बरामदगी की जाएगी। जो भी पुलिस पदाधिकारी कर्मी छापेमारी में शामिल रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। तो अभी तक जो 7 अपराध